हेलो फैमिली, हर एपिसोड पर मोहम्मद रफी साहब के जीवन का एक नया पहलू लाना। ऐसा ही एक नया पहलू आज हम आपके लिए सर्च कर रहे थे तो एक प्यारा सा कंटेंट हमें मिला, जो खास तौर से आप सभी दोस्तों के साथ, जो कि मोहम्मद रफी साहब की हर एक छोटी से छोटी चीज को शेयर करना, सुनना और अपने पास संजो कर रखना पसंद करते हैं, उनके लिए हम लाए हैं आज आप सबके लिए। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भूज से दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हर बुधवार और शनिवार को हमारा दिल से दिल तक जेडी चैनल का एक नया वीडियो जरूर ही आता है। कोई खास घटना हो, कोई खास दिन हो और रफी साहब की जीवन यात्रा से जुड़ी हुई कोई नई फैक्ट हमें मिलती है तो हम पूरे वीक के दौरान भी एक एडिशनल वीडियो आपके लिए लाते हैं और हमें बहुत ही खुशी होती है आप सभी दोस्तों के प्यारे से वैल्यूबल फीडबैक्स जो मिलते हैं, उससे हमें बहुत सारी जानकारियां भी मिलती है। दोस्तों, आज की जो बात है, आज का जो कंटेंट है, ये एक ऐसा कंटेंट जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में, जी हां, प्लेबैक सिंगिंग की पूरी दुनिया, जो कि भारत और पाकिस्तान से जुड़ी है, जो कि हिंदी और उर्दू जबान के साथ जुड़ी हुई है, उस पूरी दुनिया को जिन्होंने हिला करके रख दिया था, ऐसे एक प्लेबैक सिंगर, एक ऐसे माने हुए गजल के फनकार जिन्होंने साल 1954 से लेकर के 1957-58 के साल तक जितना भी अपना प्लेबैक का काम किया, जो भी उनकी पेशकश का काम किया, वो बाकायदा हमारे क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत पर आधारित ही पूरा काम किया। जब उन्हें महसूस हुआ कि उनका जो क्लासिकल गाने का जो अंदाज है वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है सुनने वालों के लिए, सुनने वाले जब उस संगीत को समझने में जब विवश हो जाते थे, विफल हो जाते थे, तभी इसी महान गुलुगार ने अपने संगीत को थोड़ा हल्का फुल्का रखना शुरू किया साल 1958 से। दोस्तों, आज हम जिक्र कर रहे हैं गजल के माने हुए सरताज, प्लेबैक के माने हुए सरताज, ऐसे पाकिस्तान के नहीं पूरे विश्व के माने हुए जो फनकारों में शुमार रखते हैं, ऐसे जनाब मेहंदी हसन साहब का। दोस्तों, मेहंदी हसन साहब ने पाकिस्तान में संगीत के फील्ड में इतना बड़ा काम किया है जिनकी मिसालें आने वाले कई सालों तक, आने वाली कई पीढ़ियों तक हमें महसूस होने वाली है। उन्होंने गायकी के जिस जिस अंदाज को छुआ है, उस पूरे अंदाजों को उन्होंने एक नया ही रूप दे दिया था। भारत में भी मेहंदी हसन साहब के जलवे इतने मशहूर रहे कि अगर भारत में गजलों को प्रचलन में लाने का पूरा श्रेय अगर माने तो जनाब मेहंदी हसन साहब को नजर करना चाहिए। मेहंदी हसन साहब ने अपने दौर में पाकिस्तान के बेहतरीन से बेहतरीन गुलुकार गुलाम अली साहब, गुलाम मोहम्मद साहब, इन अय्यर साहब हो या हो आलमगीर साहब, इन सभी माने हुए मेल प्लेबैक सिंगर्स के साथ काम किया। अगर फीमेल सिंगर्स की बात करें तो उस दौर में नूरजहां जी, नाहिद अख्तर जी और मैनाज जी के जलवे बड़े ही मशहूर थे, लेकिन मेहंदी हसन साहब ने उस दौर के किसी भी पाकिस्तान के गुलुगार को उतना नहीं माना जितना उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में लोहा माना था मोहम्मद रफी साहब का। दोस्तों, आज मेहंदी हसन साहब ने मोहम्मद रफी साहब की गायकी के बारे में जो बात की थी, उस चीज को आप सभी से शेयर करने की इजाजत चाहते हैं। 52 से रिकॉर्ड हुई और
55 56 57 में वो बहुत बुरी लगने लगी मुझे। अच्छा। उसमें सारे नक्श, जो नक्श तो थे, वो नक्श मुझे सामने आ खड़े हो गए। जिस नक्श को मैं दूर करना चाहता था शुरू से, अब तक मैं उस पर रियाज कर रहा हूँ। वो दूर नहीं हो पाता? वो हो गया काफी, अब रुपए में कुछ 14 आने खत्म हो गया है। लेकिन अभी है मेरे हिसाब से, लोग नहीं पकड़ पाते हैं। तो 14 आने जिसमें है, वो नक्श क्या है, आवाज में वाइब्रेशन आ जाता, सुर पे नहीं रहते। आवाज में अगर वाइब्रेशन आ गया, वाइब्रेशन का गाना जो है वो मैं उसको सुरीला गाना नहीं कहता, इसलिए कि वाइब्रेशन जो है वो सबसे बड़ी निशानी है ये उस आदमी की, उस गले की, कि जो बेसुरा है और वो सुर में लगे, मालूम होगा कि हाँ बड़ा सुर में गा रहा है, लेकिन उसको कहे मियां वाइब्रेशन को खत्म करके खड़े नोट लगाओ। उसको हमारे मौसूरी के हिसाब से दो बरन कहते हैं, एक तुम्बी बरन, एक ढांड बरन। तुम्बी बरन का जो गाना है वो तरे ना वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन जो है ये नहीं होना चाहिए। तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरे है, ये जी, ये सीधा सीधा नोट दारा, ये है डांड बरन। तो इस तरह यानी मैं, मेरी कोशिश अब तक ये है कि पूरा का पूरा मैं खड़े नोटों में गाऊं। तो अब गाता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी है कि रुपए में 14 आने में करीब आ गया हूँ, 14 आने तक गा रहा हूँ। इसकी ताजा तरीन कोई मिसाल है? तकरीबन जो गाने में गाता हूँ उसमें तकरीबन सुरों पे ठहरता हूँ। वो एक फिल्मी भी गाना गाया है, ए हमीद साहब ने बहुत अच्छा बनाया वो गाना, फिल्म गरनाता का। मैं हूँ यहाँ तू है वहाँ, है दरमियाँ ये फासले ये वादियाँ, मैं हूँ यहाँ तू है वहाँ, तू है वहाँ। इसमें सांस की खपत है और ये इस किस्म के गाने मुश्किल पड़ते हैं गाने। अब ये सन अगर 54-55 में मैं गाता तो नहीं गा सकता था। उस वक्त मुझे कंट्रोल नहीं था अपनी आवाज पे कि मैं ये वाइब्रेशन को बिल्कुल खत्म कर दूं। तो अब ये है कि फिल्मी गानों में बहुत से लफ्ज ऐसे हैं कि वहां वाइब्रेशन देना बड़ा जरूरी होता है। प्यार से कोई एक्सप्रेशन कोई दिया है तो उस प्यार से कोई बात कह रहा हूं तो वहाँ वाइब्रेशन से बात बनेगी, या रोने की कोई बात है तो उसमें वाइब्रेशन से बात बनेगी, लेकिन खड़े नोटों में फिर वो बात नहीं बनती। अब वो मिक्स करना पड़ता है, लेकिन तो ये तो ठीक है, लेकिन इतना कंट्रोल होना जरूरी है सिंगर के लिए कि जहाँ चाहे वाइब्रेशन दे, जहाँ चाहे न दे, खड़ा नोट लगा के गा जाए, वो मुश्किल पड़ता है। आपके ख्याल में और आपके दूसरे जो जमाने में गाने वाले हैं जी, उनमें ये सिफत कहाँ तक है? उनमें किसी हद तक अगर कोई दो चाहे एक दो नोट खड़े कहलवाए जाए तो कह जाएंगे, लेकिन पूरा थ्रू आउट गाना नहीं गा सकते। अच्छा। हाँ, तो मैं अब इस सिलसिले में वैसे मोहम्मद रफी साहब की भी तारीफ करूंगा कि वो बाज नोटों को अटंग सुर जब लगाते हैं, लगाना पड़ता है उनको एक्सप्रेशन के लिहाज से, बहुत बहुत अच्छा लगाते हैं, सही लगाते हैं वो। फिल्म गाने की हद की बदला रहा हूँ कि अटल सुर का लगाना कितनी ऊंची बात है। दोस्तों, ये थी मोहम्मद रफी साहब के बारे में, मेहंदी हसन साहब की जो भावनाएं थी उनकी कला के प्रति, जो अभी आपने सुना। आइए दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। कोई हमारा बुरा करे ये उनका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना सोचे ये हमारा धर्म होता है।
तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर से लिंक करके भेजिएगा। आपके कमेंट्स के लिए हम मुंतजिर रहते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। दोस्तों मिलेंगे बिल्कुल ऐसे ही मोहम्मद रफी साहब की जीवन यात्रा के साथ, उनकी कला यात्रा के साथ जुड़ी हुई बिल्कुल ही नई तरोताजा और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।